हाय गाइस, दिस इज गेट फिट बाय साहिब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पांच मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के अनएजुकेटेड फिटनेस ट्रेनर्स फैलाते हैं और जो मैंने 8 साल पहले एक्सपीरियंस भी करे हुए हैं। सो मैं शेयर करता हूँ। मिथ नंबर 1, रोटी इज बैड, राइस इज गुड। अब जब मैंने जिम ज्वाइन करा था आज से 8 साल या 9 साल पहले, तो मेरे को ट्रेनर को मैंने जाके कहा मेरे को भी सर एब्स चाहिए या कुछ चाहिए। उन्होंने सीधी चीज़ पहली मेरे को कही कि भाई तू ना रोटी छोड़ दे, राइस पे आ जा। तो मैं आ गया, मेरे को नॉलेज तो थी नहीं, मैंने जिम ज्वाइन नहीं करा था, मैंने बहुत राइस खाने शुरू कर दिए वो। तो इवेंचुअली जब मेरे को सारी चीज़ें पता लगी कि पर ग्राम अगर आप देखोगे रोटी के अंदर कार्ब्स कम होते हैं एंड राइस के अंदर ज़्यादा होते हैं। सो इवेंचुअली होता क्या है, ये जो ट्रेनर्स होते हैं ये आपको ना दिमाग को ऐसे माइंड के अंदर ऐसे मिथ्स डाल देते हैं कि ना हमें सीधा ही वो ना स्विच करवा देते हैं कि अगर हमें रोटी खाना पसंद है तो हमें वो कहते हैं कि चावल खाओ अगर आपको एब्स चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ आपको पता है कि कैलरीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रोटी खाना चाहते हो तो रोटी खाओ, राइस खाना चाहते हो तो राइस खाओ। जैसे ये जो आप मिथ्स डालते हैं ये ट्रेनर्स, डोंट लिसन टू देम। गूगल है, गूगल पर सर्च करो कि पर ग्राम, या माई फिटनेस पाल ऐप है कि उस पर सर्च करो कि पर ग्राम में कितने कार्ब्स हैं, कितना फाइबर है, जो भी एक्सरसाइज है। सो डोंट टेक दैट काइंड ऑफ मिथ। दैट वाज मिथ नंबर 1। मिथ नंबर 2, लिफ्ट हैवी। तो जिस टाइम पर भी आपके ट्रेनर ने अगर आपको हाथ लगा दिया आपके रॉड पे, तो समझना आपका सेट ख़त्म है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बिगनर्स के लिए है वीडियो स्पेशली। सो होता क्या, जब बिगनर्स जिम ज्वाइन करते हैं सो उनको ईगो लिफ्टिंग का बहुत शौक होता है हर एक को। जब मैंने भी जिम ज्वाइन करा था मेरे को भी हैवी वेट मारने का शौक था, लेकिन बार मैंने ऐसा नहीं करा था। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप जिम ज्वाइन करते हो अभी आपके मसल्स को आदत नहीं है उन हैवी वेट्स की या सब कुछ। सो इवेंचुअली होता क्या, अगर आपने ईगो लिफ्टिंग कर ली, आपको आपके ट्रेनर ने हेल्प सपोर्ट करवा के करवा दी, तो आपकी ईगो होगी सेटिस्फाई और उस ट्रेनर के बन रहे हैं पैसे क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, आपको वो ट्रेनर सपोर्ट देता है। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्हाट यू हैव टू डू इज़ स्टार्ट विद वॉल्यूम ट्रेनिंग, जो मतलब होते हैं वॉल्यूम ट्रेनिंग से शुरू करें, 10-15-20 रेप, अपनी फॉर्म को ठीक करें पहले। अगर आप डेडलिफ्ट भी कर रहे हैं डेडलिफ्ट की फॉर्म को ठीक करें, स्क्वाट कर रहे हैं स्क्वाट की फॉर्म को ठीक करें, एक्सरसाइज के नाम लर्न करें पहले, फॉर्म्स को ठीक करें, उसके बाद आप हैवी वेट पे जाएं। जब आपके अंदर, क्योंकि यार अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो और आप एकदम ही जिम जाते ही अब सोचो मैं आई लिफ्ट हैवी, सो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। स्टार्ट विद लाइट वेट्स, जिससे आपको पता लगे कि आपकी फॉर्म कैसी जा रही है, आपको आपका सोरनेस लेवल कैसा जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर अभी मसल नहीं है जो आपने अभी ग्रो करना है, जो आप जिस चीज़ के लिए आए हो जिम के अंदर। सो इस चीज़ को दिमाग में रखिए, डोंट लिफ्ट हैवी। दिस वाज मिथ नंबर 2। मिथ नंबर 3, यूज बार्स टू लूज बेली फैट। मैंने ये बहुत बहुत बारी सुना है, ये जितने भी देसी जिम्स हैं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ उनके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ द रियलिटी। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ना अपने ना एब्स लगाने से पहले ना बाम लगा लो एब्स पे कि ना, ताकि एक थर्मिक इफेक्ट आएगा आपको उस पर, तो आपका फैट जल्दी लूज होगा। ये बिल्कुल बकवास बात है, बिल्कुल बकवास बात है, इसको बिल्कुल भी मत मानो। कि अब अगर जो लोग ये अभी भी अगर मेरे को जो देख रहे हैं कि अगर वो सोचें कि अगर वो पेट पे अपने बाम लगा के एब्स लगाते हों या एक्सरसाइज करते हों और उनको लगता हो कि हाँ बहुत चर रहा है तो शायद चर्बी निकल रही है, बिल्कुल बकवास बात है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है, इसको बिल्कुल भी मत फॉलो करो। ओके, मिथ नंबर 4, ट्रेन 2 times a डे, सुबह कार्डियो एंड एब्स एंड शाम को जो भी आपका बॉडी पार्ट है, बैक और वॉट एवर। अभी बहुत से ट्रेनर्स ना, अब आप नए नए जिम में जाते हो ना, सो वो आपको ना सबसे पहले ये आपको अनएजुकेटेड और अनक्वालिफाइड ट्रेनर ही कह सकता है ये वाली चीज़, और कोई नहीं कहेगा। क्योंकि जो बिगनर नया नया जिम में जा रहा है उसको कुछ नहीं पता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, उसको जो ट्रेनर कहता है वो मान लेता है। सेम विद मी, जब मैं भी फर्स्ट टाइम जिम गया था तो यही मेरे साथ भी हुआ था।
कि मेरे को भी उसने यही कहा था कि सुबह आप एब्स एंड कार्डियो करो, शाम को आप अपना बॉडी पार्ट करो। पर ऐसा अगर आपको एजुकेटेड ट्रेनर, आपको अगर आप किसी एजुकेटेड ट्रेनर के अंडर हो, आपको कभी भी नहीं कहेगा ये चीज़ करने के लिए। सो वो आपको सीधा पहला व्यायाम ये डाल देता है कि अगर आपको एब्स बनाने हैं, आपको अपना फैट लॉस करना है, मसल बनाना है ना, तो सुबह कार्डियो और एब्स, और शाम को आप अपना बॉडी पार्ट करो। अब इतना कोई हम में से कोई वेला नहीं है कि हम दो दो टाइम जिम जाएंगे और वहाँ पे जाके हम बार बार एक्सरसाइज करें, और कईयों के घर वाले भी नहीं अलाउ करते, कई घर वालों के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक ही टाइम पे अपनी सारी एक्सरसाइजेज लगा सकते हैं। मेरा आज बैक एब्स एंड कार्डियो डे है, सो आई विल डू एवरीथिंग टुगेदर, चाहे मुझे दो घंटे क्यों ना लग जाएँ, बट आई विल डू इट टुगेदर। सो अगर आप इकट्ठे भी करते हो सो इट इज़ मोर बेटर, आपका टाइम भी बचता है और आप तब भी फैट लॉस करते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलरी जब आप फैट लॉस की बात करते हो या किसी भी चीज़ की बात करते हो। ओके, मिथ नंबर 5, माय वे इज़ द बेस्ट वे। अब कई ट्रेनर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, और आप किसी आप नए नए जिम में जाते हो, अब वो आपको अपने तरीके कहते हैं कि मेरा तरीका फॉलो करो, ये सबसे बेस्ट फार्मूला है, और वो जहाँ से भी सीख के आए होते हैं वो उसी फार्मूले को आगे बढ़ाते रहते हैं। और वो आपको सीधी बात है, पहली चीज़ वो आपको ये कह देंगे कि दूसरे ट्रेनर की तो बात ही नहीं सुननी, और YouTube पे जो भी देखना है हमने गाने गुने सुनो, ये बेफालतू की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं अगर मेरे साथ ट्रेनिंग करनी है। वो सीधी धमकी दे के ये बात कह देते हैं। पर बात यहाँ पर आती है कि वो आपको अगर, ये मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है, मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ कि वो ये, और ये बहुत लोगों के साथ होता है कि जो ट्रेनर्स होते हैं वो करते क्या हैं, वे प्रोटीन के डब्बे पे सारा लेबल वेबल सब हटा देते हैं, एंड खाली एंड ओपन डब्बे के अंदर ही आपको वो सप्लीमेंट डाल के देते हैं, एंड यू आर नॉट यू डो, एंड जो क्लाइंट्स हैं जो खाते हैं उनके, दे डोंट नो व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। और ये मेरे क्लाइंट के साथ हुआ कि उसको वो एक कट्टे में से निकाल के देता था या जो भी बना के, एंड उसको वो ग्लूकॉन डी पिला रहा था वे प्रोटीन के बजाय। तो देखो आप कि कितना ज़्यादा आपको फूल करते हैं, एक तो आपसे पैसे भी ले रहे हैं, दूसरी बात उनको नॉलेज नहीं है, तीसरी बात वो आपको गलत चीज़ खिला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अगर आप उनके अंडर ट्रेन हो रहे हो तो आपको अगर वो ये नहीं बता रहे कि आपको कौन सा सप्लीमेंट दे रहे हैं, कौन सा वर्कआउट करा रहे हैं, कौन सी डाइट फॉलो करवा रहे हैं, अगर वो आपको ड्रग्स पर रख रहे हैं तो उन्होंने आपका ब्लड वर्क करवाया है कि नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जाननी। सो ये चीज़ों का अगर वो आपको नहीं बता रहे हैं सो आप समझ लो कि सब गोलमाल है, कुछ झोल है। सो डोंट बी फूल्ड। अगर कोई भी आपको एजुकेटेड ट्रेनर अगर आपको ट्रेनिंग करवाता है सो आपका आपको एक एक चीज़ दिखाएगा, एक एक चीज़ आपको बताएगा कि आपने कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कौन से टाइम पे लेना है, एंड इनफैक्ट वो आपको ये कहेगा अपने सप्लीमेंट्स खुद परचेज करो एंड एवरीथिंग, आपको डाइट प्लान भी प्रॉपरली लिख के देगा, ये नहीं कि मूव से आपको उसने कह दिया तो आपने फॉलो कर लिया। सो बी अवेयर। और एक बोनस मिथ मैं आपको बता रहा हूँ कि वेयर सपोर्टर ड्यूरिंग लेग्स वर्कआउट। अब ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं बिल्कुल भी, मैंने आज तक अपनी लाइफ में सपोर्टर यूज़ नहीं करा। बहुत लोगों को होता है कि हमारे बॉल्स लटक जाएंगी अगर हम सपोर्टर नहीं पहनेंगे, और ये मैंने बहुत लोगों को देखा है जिम के अंदर भी कि मैं, मेरे को अगर वो देखते हैं कि सर आप सपोर्टर नहीं पहनते, मैंने कहा सपोर्टर करना क्या है। सो सीधी सी बात है, ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको छोड़ दो, कुछ होएगा नहीं आपको। आप नॉर्मली अपना वी शेप अंडरवेयर पहन के भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आप अपने आपसे जितना वेट लिफ्ट होता है आप उतना वेट लिफ्ट करो, आपको ईगो लिफ्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये पहले पॉइंट में बता चुका हूँ, ईगो लिफ्टिंग इज़ नॉट गुड। सो दिस वॉज माई 5 myths about fitness industry. Thank you so much for watching my video. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट इंटरेस्टिंग लगता है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट टॉपिक भी मैं बहुत अच्छे अच्छे लाऊंगा जिसे आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में मेरे को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।